अब हम अपने मौजू जो है उसके ऊपर आते हैं। चैप्टर नंबर वन हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर वन के अंदर हम मुस्लिम माशरे का क़्याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी इन इंडिया इन सब कॉन्टिनेंट, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक टॉपिक है कि मुसलमानों के आमद से कबल या इस्लाम के आमद से कबल हिंदुस्तान के हालात बताइए। कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, ये इसका मौजू है। सबसे पहले हम हालात के ऊपर बात करते हैं। माशरती हालात, सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन जो है इंडिया में क्या सूरत हाल थी इस्लाम से पहले? सबसे पहली बात थी कि ज़ात पात की तकसीम थी, मतलब कास्ट सिस्टम वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था और उसमें जो है चार जातें थीं जो मशहूर थीं। एक ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम जो है मंदिर के पूजा पाठ वगैरह को संभालना। दूसरे नंबर पे जो है वो कश्तरी, कश्तरी का काम ये कि हुकूमत को संभालना और रियासत के लिए मतलब रियासत का दिफा करना, यानी मिलिट्री के अंदर ज़्यादातर उसमें होते लोग या हुकूमत को संभालते, तो लिहाजा उनका ये काम था। ये समझ लें वहाँ की ऊंची जात थी। उन ऊंची जात के अलावा कुछ जातें ऐसी भी थी जो नीची कहलाती, यानि कश्तरी और ब्राह्मण सुपीरियर कास्ट थी। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो जात थी वो थी वेश कहलाती। वेश का क्या काम था? वेश का काम ये कि वो तिजारत करता। वेश के अंदर ही कारीगर किस्म के लोग होते हैं और उनका काम ये था कि वो मुल्क के लिए पैसे कमा के देते और एक बड़ा हिस्सा वो मंदिर को दान कर देते या हुकूमत को टैक्स दे दिया करते थे, ये उनका काम था। इसी तरह सबसे आखिरी जो जात थी वो थी शोदर, और शोदर का क्या काम था? इन सब के लिए बिला मुआवजा काम करना, गोया के एक तरह से गुलाम थे। तो हिंदुस्तान के अंदर ये सूरत हाल थी। शोदर को बहुत सारे कामों की इजाज़त नहीं, मसलन शोदर जो है किसी भी मजहबी मामलात को मतलब उसके करीब जा नहीं सकता, और ब्राह्मण जो है उसके करीब जा नहीं सकता, उसको उसके साथ उठ बैठ नहीं सकता, गोया के ऐसा था कि नॉन टचेबल कहलाते। और इससे भी ज़्यादा मतलब इनकी सबसे जो घटिया किस्म की जो ज़ात इनको समझते, जिसको नीच ज़ात समझते, उनसे ये बिला मुआवजा काम करवाते और उनके साथ जुल्म और ज़्यादती का एक मतलब पहाड़ उनके पर। तो ये एक मतलब वो थी कि जैसा गीता उनकी एक किताब है, इस किताब को ब्राह्मण तो पढ़ सकता है, कश्तरी भी पढ़ सकता है, लेकिन शोधर भी इसको मतलब देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन अगर ये किताब शोधर इसको अगर पढ़े तो उसके लिए ख़तरनाक सज़ाएं उन लोगों ने मुकर्रर कर रखी थी। शोधर से अगर कोई गलती हो जाती तो उस गलती की उसको मतलब भयानक सज़ाएं के तौर पे मिलती, और यही गलती अगर ब्राह्मण से हो जाती या कश्तरी इसको अगर ये गलती उससे हो जाती तो अदालतें उनको माफ़ कर देती, यानी गोया कि उनके अंदर इंसाफ का निज़ाम भी नहीं था। इसके साथ साथ माशरे के अंदर औरत का जो है दर्जा इंतहाई कमतर था। अगर कोई औरत, शादीशुदा औरत, अगर उसका खावंद मर जाए तो लाश को ये चूँकि जलाते हैं तो चिता कहते हैं उसको, तो चिता जलाई जाती, चिता के साथ साथ उस औरत को भी ज़िंदा जला दिया जाता, या तो वो अपनी खुशी से जल जाए या फिर उसको ये खुद ही जो है आग के अंदर धक्का दे देते। इस रस्म को कहते हैं सती। सती की ये रस्म कई सौ साल तक के वहाँ पे मौजूद थी। 1829 में अंग्रेज़ों ने आके इसको ख़त्म किया, लिहाजा औरत का दर्जा बहुत ही कम। अगर ख़ानदान में
बच्ची पैदा हो जाए तो उसको मनहूस समझा जाता, उसको बदशकूनी के तौर पे लिया जाता, वो यानी कमतर दर्जा था औरत का। तो ये एक बात थी। इसके अलावा कंवारी हथिया, यानी उनके यहाँ मशहूर था कि मुख्तलिफ चीज़ों की भेंट और कुर्बानी देते हैं, उसमें ज़्यादातर लड़कियों की भेंट चढ़ाई जाती थी जो उम्र में 12 साल 13 साल के करीब हो, और उनको जो है भेंट दिया करते थे। जैसा अगर दरिया में पानी सूख जाए तो उसको भेंट देना, मतलब उसकी कुर्बानी देना, और जंग शुरू हो जाए तो जंग से पहले जो है काली माता के सामने उसको कुर्बान करना। तो ये सूरत हाल थी वहाँ पे। और इसी तरह अब हम बात करते हैं सियासी हालात के। सियासी हालात कैसे थे? सियासी हालात का आप अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मुसलमान के आमद से पहले पहले हिंदुस्तान में कोई एक रियासत नहीं थी, कई रियासतों के अंदर तकसीम था, और आपस में इन रियासतों के राजाओं की आपस में लड़ाई होती, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। अगर कोई मजबूत रियासत होती तो वो कमज़ोर रियासत को किसी तरह भी लड़ झगड़ के उस पर कब्ज़ा कर लेती। तो ये सूरत हाल थी सियासी हालात की। इसी लेक्चर को हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर के अगले हिस्से में। ये आपको दो मौजूआत बताएं, इसमें मतलब दो चीज़ें बताई गई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी दो चीज़ें बताई जाएंगी। तो जुनेद कमाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।